अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें हम बेसिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से हम सीखेंगे कि उनके आईयूपीएसी नेम्स कैसे लिखे जाए। इसके लिए जो सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, दिस इज नंबर वन, दिस वॉट इज CH3 bonding CH, two bonding CH, there's a CH3 over here और यहाँ एक CH3 मौजूद, ये समझ लो। नो, सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अगर हम आईओपीसी के नाम को लिखना चाहते हैं तो हमें चार स्टेप्स को हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो वो फोर स्टेप्स क्या हैं जिनका हमें हमेशा ख्याल रखना है किसी भी मॉलिक्यूल के आईपीसी नाम को लिखने के लिए। सो द स्टेप वन, तो सबसे पहले आपने क्या काम करेंगे, दिस इज द स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में आपने क्या काम करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्मिनल्स। सो दिस इज व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन द मॉलिक्यूल। Let me write the step number two. Step number two is what is the longer chain of organic molecule. इस बात को हम डिस्कस करेंगे जब इस मॉलिक्यूल के हम नाम को लिखने जाएंगे, तो इन तमाम स्टेप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। So let me write the first step number three. This is what is the identification of radical. Identification of the radical or the attached group. Rather to say, this is the attached group. Yes, this is the attached group. Well, the number of four. Step number four is what is the numbering. Numbering of the molecule. Now let's follow all the four steps. The first one we have to follow the step number one, that is the number of terminals. यानी हम ये check करेंगे कि इस molecule में कितने terminals मौजूद हैं. Let's say this is a molecule. टर्मिनल्स मीन्स टू से कि इसमें कॉर्नर्स कितने मौजूद हैं इस मॉलिक्यूल में। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक ये कॉर्नर मौजूद है, दिस द कॉर्नर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये किनारा है, टर्मिनल है, ये कॉर्नर है। एंड द सेकेंड वन इज दिस वन एंड द थर्ड टर्मिनल। तो यहाँ पे तीन टर्मिनल्स मौजूद है यहाँ पर। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये नंबर ऑफ टर्मिनल्स के कौन कौन से टर्मिनल्स यहाँ मौजूद है। इन टर्मिनल्स को हम स्टेप नंबर टू की तरफ मूव करने के लिए हम हर टर्मिनल को एक नाम दे देंगे। लेट्स सी, इनको हमने नाम क्या दिया, इस वर्ड हमने कोई भी इसमें हम अल्फाबेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम कॉलिंग इट, दिस इज ई, दिस इज द ई टर्मिनल, दिस इज द एफ एंड दिस इज व्हाट इज द जी। ये मैंने रैंडम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है इसलिए कि आपको ये मालूम हो कि ये हम सिर्फ और सिर्फ ये ई एफ जी हम अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका साइंस से इसका केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मर्जी है समझाने के लिए हम ए बी सी इस्तेमाल करें, एक्स वाई जी इस्तेमाल करें, मैंने ई एफ जी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, सुनो, पहला स्टेप तो हम कर चुके थे, तीन टर्मिनल्स हैं, तीनों को हमने नाम दे दिया। और उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द लॉन्गर चेन। लॉन्गर चेन हम मालूम करेंगे इसके लिए, सो व्हाट इज द मेथड, यहाँ चेक कीजिएगा, अगर हम एक कॉर्नर से अपने नंबरिंग को काउंटिंग पे स्टार्ट करते हैं और दूसरे कॉर्नर पे खत्म करते हैं, लेट्स से पहले हम सेलेक्ट करते हैं ई से स्टार्ट करते हैं और एफ पे हम खत्म करते हैं,
तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन काउंट हुए. सो फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन, एक कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसका मतलब E to F अगर हम कंसिडर करते हैं इस चेन को, तो इसमें चार कार्बन मौजूद हैं. तो अगर हम E से स्टार्ट करते हुए अपनी काउंटिंग को हम G की तरफ लेके जाएं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, दिस इज वन टू थ्री एंड फोर, इसमें भी चार कार्बन ही मौजूद हैं. द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि हम F से स्टार्ट करें और खत्म कहाँ करें, G पर. सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, दिस इज वन, this is 2, this is 3, yeah, number of carbon तादाद और कम हो गई. और हमने step number 2 में लिखा क्या है, हमें longer chain की तलाश है. इसका मतलब है कि longer chain की possibility सिर्फ दो हैं, E और F के दरमियान chain, and the second possibility is between the E and G, okay, इन दोनों के दरमियान chain, इन दोनों में ही चार carbons शामिल होते हैं. So, इनमें से किसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्गर चेन के लिए. सो लेट्स से हमने यहाँ पर E टू F हमने कंसिडर किया, दिस इज द लॉन्गर चेन अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 2. सो दिस इज व्हाट इज द लॉन्गर चेन. ये हमने सेकेंड स्टेप की बात पूरी कर ली, द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप. नाउ अबाउट द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैच ग्रुप. हम यहां देख रहे हैं कि जो ही हमने एक लॉन्गर चेन की सिलेक्शन की, तो लॉन्गर चेन की सिलेक्शन की वजह से एक कार्बन या ग्रुप यहां पर काउंटिंग में नहीं आया या चेन में शामिल नहीं हो सका. सो वो कार्बन का पार्ट या मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो चेन में शामिल ना हो सके स्टेप 2 में, उसे हम अटैच ग्रुप कहते हैं. दिस इज द अटैच ग्रुप. इसका मतलब यहां पर अटैच ग्रुप क्या है, दिस इज व्हाट इज द CH3, दिस इज अटैच ग्रुप. इस अटैच ग्रुप को हम एक और भी नाम देते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रेडिकल. अब ये रेडिकल एक जर्मन एक जर्नल नाम है. यहां पर इसे हम जर्नली रेडिकल कहा जाता है. इस रेडिकल में यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन मौजूद है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि इस रेडिकल में दो कार्बन मौजूद हों या तीन या चार मौजूद हों. अगर यहां पर एक कार्बन मौजूद है, तो क्योंकि हमें यह बात मालूम है, जैसे मैंने यहां लिखा है, एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम नाम क्या देते हैं, मिथेन. ठीक है ना, क्या नाम देते हैं हम, मिथेन. सो लेट से एक कार्बन का नाम क्या होता है, what is the methane. तो याद रखिएगा, जब हम रेडिकल को नाम देंगे तो उसे हम मिथेन नहीं कहेंगे, बल्कि हमें क्या कहना है, इसमें से ए एन ई को हम रिमूव करेंगे, ए एन ई को आप नहीं लिखेंगे, और ए एन ई की जगह पर इसकी रिप्लेसमेंट पे आप क्या यूज करेंगे, वाई एल. यानी प्रोनाउंस क्या करेंगे आप, this is the methyl, methyl, not the methane but methyl. So agar radical mein ek carbon maujood hai, so it should be pronounced as methyl. Agar do carbon maujood hai, to use hame naam kya dena chahiye, ya check kijiyega, ane ko remove kiya humne aur kya naam denge, ethyl, yani ethyl. In the same way, this is the propyl, butyl, pentyl, hexyl and so on. तो रेडिकल के नाम में हम ये मामले चेंजिंग करते हैं, ए एन ई को रिमूव करेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे बाय वाई एल. सो दिस इज व्हाट इज द मेथड. सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर ये रेडिकल यानी अटैच ग्रुप मौजूद है, और कौन सा रेडिकल मौजूद है, दिस इज द मिथाइल रेडिकल. ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 3. देन द लास्ट वन, लास्ट स्टेप इज अबाउट द नंबरिंग. हमें अब यहां पर नंबरिंग करनी है. नाउ नंबरिंग करने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमने चेन कंसिडर किया है कार्बन ई से लेकर के कार्बन एफ तक, एफ और ई के दरमियान चेन मौजूद है, तो नंबरिंग या तो हमें ई से स्टार्ट करते हुए एफ पे खत्म करनी है, या एफ से स्टार्ट करते हुए ई पे खत्म करनी है.
हमें नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है ये डिपेंड करता है अटैच ग्रुप की प्रेजेंस पर, यानी जिस जानिब से अटैच ग्रुप ज्यादा करीब होगा हम नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे। लेट्स से अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं ई से, तो इस कार्बन को मैं नाम क्या दूंगा, दिस इज द कार्बन नंबर वन, दिस इज द कार्बन नंबर टू, दिस इज कार्बन नंबर थ्री एंड दिस इज द कार्बन नंबर फोर। सो इन दिस वे द मिथाइल इज अटैच एट कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन नंबर थ्री पर अटैच है। और अगर हम ये नंबरिंग एफ की जानिब से स्टार्ट करते हैं, सो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नंबर वन, सो दिस इज नंबर टू, यानी जिस कार्बन के साथ मिथाइल रेडिकल अटैच है वो कार्बन नंबर टू है एफ की जानिब से नंबरिंग स्टार्ट करने पर, तो दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। तो नंबरिंग हमारे लिए ज्यादा बेहतर कौन सी और करेक्ट कौन सी है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम एफ एंड एंडिंग एट ई, सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, यानी हमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है एंड दिस इज द रॉन्ग वन, क्योंकि मिथाइल हमें यहां से करीब पड़ रहा है, ये टू पर आता है और इसके मुताबिक थ्री पर मौजूद है। सो फाइनली हमने ये चार स्टेप्स मुकम्मल कर लिए और मुकम्मल करने के बाद अब हम इस मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। So let me now write the name of this molecule. यहाँ देखिएगा नाम लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो radical जिस carbon पर attach है उसका number क्या है, तो check कीजिएगा ये radical क्या मौजूद है methyl, वो किस carbon पर attach है, number two पर। So what we have to write, this is two. So the dash और hyphen इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर, two dash, और अब आप यहां लिखेंगे वो रेडिकल जो इस मॉलिक्यूल में अटैच्ड है, एंड दिस इज व्हाट इज मिथाइल, इसका नाम ने क्या डिसाइड किया था, मिथाइल। सो हमने क्या लिखना होगा यहां पर, दिस इज टू मिथाइल, देन अगेन यू हैव टू राइट हाइफन ओवर हियर, डैश या हाइफन। हाइफन लिखने के बाद अब आप यहां काउंट करेंगे कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की तादाद कितनी है, और दिस इज व्हाट जो चेन के अंदर मौजूद है रेडिकल के अलावा, रेडिकल के अलावा इसमें टोटल चेन में कितने कार्बन्स मौजूद हैं। सो दिस इज वन टू थ्री फोर, चार कार्बन, और चार कार्बन का नाम क्या होता है, दिस इज ब्यूटेन, सो यू हैव टू राइट टू मिथाइल एंड दिस इज द ब्यूटेन। So this is the name of this molecule. Okay. In the same way, अब हम start करते हैं दूसरी example के साथ. Let's now write the second example. This is number two. Number two molecule. Let me write. This is CH3. Bond in CH2, this is CH, CH2 bonding CH3, और यहां पर एक CH3 attached. Well, this is the second example. Now, वो चार steps हमें यहां follow करने हैं, so let me now consider the first step. This is to find out the number of terminals. यहां पर terminals कितने हैं, हम इसे mark करते हैं. यहां पर भी terminals क्या मौजूद है, ये एक terminal है, first one. This is a second terminal and this is a third terminal. Okay. So, इनको mark कर देते हैं किसी भी alphabet से. Let's say हमने इसको alphabet A कह दिया, इसे मैंने इस मतलब B कह दिया, इसे इस मतलब मैंने C कह दिया. यहाँ पर मैंने alphabets की marking change इस वजह से की है ताकि आपको ये मालूम हो कि इसका science से chemistry से कोई ताल्लुक नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक reference के तौर पर alphabets का इस्तेमाल कर रहा हूँ. Okay. Now, यहाँ पे first step हमने मुकम्मल किया. The second one is to find out the longer chain. Longer chain मालूम करेंगे. यहाँ चेक कीजिएगा. अगर A से B तक हम जाएं, तो number of carbons की तादाद कितनी होती है? This is one, two, three, four, five. A to B अगर जाते हैं, तो one, two, three, four कम हो गई तादाद. अगर B to C आते हैं, तो one, two, three फिर तादाद कम हो जाती है. इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जो लॉन्गर चेन मौजूद है, दिस इज बिटवीन ए एंड बी.
So we have to consider this as a longer chain. ये हमारे पास पांच कार्बन की एक चेन हो गई. नो इसे चेन मानते ही सेकेंड स्टेप मुकम्मल. थर्ड वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैच ग्रुप. हम अटैच ग्रुप की तरफ जाएंगे. अटैच ग्रुप क्या, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, दिस इज व्हाट इज अटैच ग्रुप. सो वंस अगेन दिस इज द मिथाइल एच थ्री, एक कार्बन मौजूद है. इसका मतलब ये रेडिकल का नाम क्या है, दिस इज वंस अगेन मिथाइल रेडिकल. थर्ड स्टेप मुकम्मल किया हमने. देन द फोर्थ वन, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबरिंग. लेट्स चेक कि हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें. अगर हम ए साइड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग को और बी की तरफ जाते हैं, तो नंबरिंग क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी वन, दिस टू, दिस थ्री, फोर एंड फाइव. और अगर नंबरिंग को हम बी से स्टार्ट करें और ए की तरफ जाएं, तो दिस कार्बन शुड बी मार्क्ड एज वन, देन टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस वन इज फाइव. यानी आप चेक कर रहे हैं कि हम नंबरिंग चाहे किसी भी जानिब से स्टार्ट करें, इस कार्बन को नंबर क्या मिलता है, थ्री. यानी अटैच ग्रुप दोनों के ही एतबार से थर्ड नंबर कार्बन पे ही अटैच है. इसका मतलब है कि हम नंबरिंग चाहे कहीं से भी स्टार्ट करें, दोनों तरफ से ही ये ठीक होगा. चाहे यहां से आप ए से स्टार्ट करके बी पे खत्म करें या बी से स्टार्ट करके ए पर खत्म करें, दोनों ही नंबरिंग ठीक है. तो हम किसी भी एक को कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से दिस वन इज करेक्ट, हम यहां से स्टार्ट करना हमारे लिए करेक्ट है. तो इस मॉलिक्यूल का हम नाम लिखते हैं फाइनली, व्हाट शुड बी द नेम. सबसे पहले मैंने बताया कि हम क्या लिखते हैं, जिस नंबर पर अटैच ग्रुप मौजूद है वो नंबर क्या है, दिस इज थ्री. दिस इज थ्री. थ्री पर अटैच क्या है, दिस इज व्हाट इज द मिथाइल. वी हैव टू राइट मिथाइल. एंड जो मॉलिक्यूल यहाँ पर, इसमें कितने इस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद हैं, सो दीज आर फाइव. और पांच कार्बन का मतलब कितने, इसका नाम क्या होना चाहिए, दिस इज पेंटीन. दिस इज थ्री मिथाइल पेंटीन. ओके सेकेंड एग्जाम्पल. एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, द थर्ड मॉलिक्यूल. The third example is three bonding CH, bonding CH2, bonding CH3, bonding CH2, bonding CH3. This is the molecule. Now once again we have to follow the four steps. याद रखिएगा, हमेशा molecule चाहे आपको कितना भी आसान लगे, हमेशा आप चार steps को follow कीजिएगा, तो आप सही molecule तक बासानी पहुंच जाएंगे. ठीक है. Now first one, the number of terminals. इसमें terminals कितने मौजूद हैं, let's now check. ये एक terminal, दूसरा ये किनारा है इस मॉलिक्यूल का, और तीसरा ये किनारा है. तीन ये किनारे मौजूद इसमें, इनको हम मार्क कर लेते हैं अल्फाबेट से. जैसे हमने इसे पहले एग्जांपल्स में किया, दिस इज ए, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज सी. ओके, अगर हम काउंट करते हैं ए टू बी, तो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. यानी ए से बी के दरमियान हमारे पास चार कार्बन मौजूद. अगर A टू C काउंटिंग करें तो दिस इज वन, टू, थ्री एंड फोर, चार कार्बन मौजूद है. नाउ फाइनली हम चेक करते हैं B टू C. सो हियर वी आर, दिस इज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. यानी पांच कार्बन यहाँ मिलते हैं. इसका मतलब है कि इस मतलब जो लॉन्गर चेन है, दिस इज बिटवीन द B एंड C. सो वी हैव टू मार्क दिस लॉन्गर चेन. लॉन्गर चेन this should be between the B and C. Okay. Well, this is the longer chain. Now, ये step number two करने के बाद कि हमने longer chain हमने मालूम की, तो longer chain करने के बाद अब हमें क्या काम करना है, हम radical find out करेंगे. तो आप check कीजिए कि अगर ये longer chain है, तो यकीनन जो group बच गया, this is what is the radical. So over here, there's a radical is, this is CH3.
एंड वंस अगेन दिस इज द मिथाइल, हमें ये बात मालूम है इसका नाम क्या है, मिथाइल. ओके द फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप मुकम्मल, हमने अटैच ग्रुप की भी हमने बात की. नेक्स्ट वन इज द नंबरिंग, फोर्थ स्टेप. तो चेक कीजिएगा, अगर हम नंबरिंग बी से स्टार्ट करें तो हम नाम क्या देंगे इसे, वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, फाइव, यानी इस कार्बन का नंबर क्या आता है, थ्री. और अगर हम नंबरिंग सी से स्टार्ट करें तो नंबरिंग क्या होगी, दिस शुड बी वन, दिस शुड बी टू, दिस शुड बी थ्री, वंस अगेन थ्री, देन फोर, देन फाइव. यानी हम चाहे नंबरिंग बी से स्टार्ट करें या सी से स्टार्ट करें, इस कार्बन का नंबर थ्री ही होता है. यानी दोनों के मुताबिक अटैच ग्रुप यानी मिथाइल कार्बन नंबर थ्री पे ही अटैच्ड है. ओके, तो हम इसका मतलब कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें दोनों ही ठीक है. सो लेट्स से हमने कहीं से भी स्टार्ट करना है हमें, तो हमने सी को हमने सही मान लिया, तो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव, इसके मुताबिक हम यहाँ से स्टार्ट करें. So well, we have to now write the name of this molecule. Check कीजिएगा क्या होना चाहिए. सबसे पहले कि radical किस number पर attach है, this is number three. This is number three. Number three पे कौन सा radical attach है, this is methyl. This is methyl. Then इस molecule में कितने number of carbons मौजूद हैं, this is one, two, three, four, five. And पांच कार्बन का मतलब नाम क्या बनना चाहिए, दिस शुड बी पेंटेन. सो दिस इज व्हाट इज द पेंटेन. वेल दिस इज द थ्री मिथाइल पेंटेन. यहां चेक कीजिएगा, अगर आपने इसको वार्ड से देखा है तो ये मॉलिक्यूल दिस इज द थ्री मिथाइल पेंटेन एंड द सेम इज ओवर हियर, दिस इज द मॉलिक्यूल थ्री मिथाइल पेंटेन. दोनों मॉलिक्यूल सेम, यानी हमें बजाहिर देखने में नंबर टू और नंबर थ्री दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के नाम सेम हैं, तो असल में ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी सेम ही हैं. ओके, अगर आप इसको रूल्स के तहत किसी भी मॉलिक्यूल के नाम को लिखेंगे तो हम बआसानी ये समझ सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, असल में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इस बात को हम अगर इन चार स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो हमेशा आप किसी भी मॉलिक्यूल के सही नाम को बआसानी लिख सकते हैं. इसके आगे मजीद कुछ क्रिटिकल चीजें हम देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह.